नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। मेंसुरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्यूम। हमने इससे पहले एरिया देख लिया और सर्कल देख लिया, ठीक है। वहाँ पे भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिया हुआ है। और ये जो टॉपिक है वॉल्यूम, आयतन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से रेलवे के एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप वाइज देखेंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ है फॉर्मूला, कुछ फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा जो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके पास जो फिगर आ रहा है थ्री डायमेंशन में, क्योंकि वॉल्यूम उसी का निकाल सकते हैं जो थ्री डायमेंशन हो, मतलब जिसमें ऊंचाई हो। अब देखिएगा, तो पहला फिगर है क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोला जाता है। घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, मतलब एरिया फॉर वॉल पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a² हो जाता है। और घन किससे बना होता है, स्क्वायर से बना होता है, ठीक है। घन किससे बना होता है, स्क्वायर से बना होता है, मतलब वर्ग से बना होता है। आगे देखिएगा, अगर विकर्ण पूछा जाएगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। और घन का आयतन पूछा जाएगा तो v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, aq हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ हमने क्या बता दिया, फोर वॉल भी बता दिया आपको। अगर मान लीजिए एरिया ऑफ फाइव वॉल पूछा जाएगा तो a² को ऐड करेंगे, मतलब एक सरफेस, एक फेस का जो एरिया है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया वो a² है, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने फेस है, 6 फेस है। तो जितने भी फेस का पूछेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। तो घन का हमने बता दिया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आ गया घनाभ। अब घनाभ किससे बना होता है, घनाभ बना होता है आयत से बना होता है। घनाभ किससे बना होता है, घनाभ आयत से बना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, घनाभ किससे बना होगा, घनाभ आयत से बना होगा। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आयत का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू में एलबी प्लस में बीएच प्लस में एचएल हो जाएगा। 2 इंटू में एलबी प्लस में बीएच प्लस में एचएल हो जाएगा। और यहाँ विकर्ण क्या हो जाएगा, d = में क्या हो जाएगा, l² + b² + h² ये हो जाएगा विकर्ण, मतलब विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायमीटर हो जाएगा। मतलब पूछा जा सकता है कि इस घन में सबसे लंबा छड़ जो होता है वो कितने मीटर का होगा या सेंटीमीटर का होगा, तो उस कंडीशन में डायमीटर निकालना होता है। अब इसी का अगर कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें, क्योंकि एरिया ऑफ फोर वॉल पूछ सकता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल, और एक रूम में देखेंगे छत भी होता है और क्या होता है, सरफेस भी होता है, तो उसको निकाल देंगे तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। टॉप और बॉटम से खुला होगा तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टू एच एल प्लस में बी, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा। अब वॉल्यूम आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बेलन देखते हैं, सिलेंडर देखते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सिलेंडर का यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, ठीक है। हाइट क्या हो गया, h हो गया, रेडियस क्या हो गया, r हो गया। तो यहाँ पे अगर टॉप और बॉटम से खुला होगा तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ऊपर से खुला है तब, तो इसका क्या हो जाएगा, 2πRh होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो हम कर्व सरफेस एरिया को क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से बंद कर देंगे, मतलब ऊपर दो सर्कल है ना, ऊपर और नीचे मिला के, तो 2πR हो जाएगा, 2πR² हो जाएगा, 2πR² हो जाएगा दो सर्कल का सरफेस एरिया। अब 2πR को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 2πRh हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये भी आसान है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यह हुआ है कि ये मैंने बता दिया वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम इक्वल टू में क्या होता है, πR²h होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, जिसको आयतन बोलते हैं, πR² होता है, πR²h होता है, ठीक है। ये थ्री डायमेंशन होगा, यहाँ स्क्वायर हो गया, ये h एक डायमेंशन, मतलब तीन डायमेंशन बना दिया। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, थ्री डायमेंशन में होता है। चलिए आगे देखिएगा, शंकु, शंकु को बोला जाता है कोण, शंकु को क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। अब यहाँ देखिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे πRL प्लस में, शंकु जो है नीचे से केवल खुला हुआ है तो एक सर्कल को बंद करेंगे, मतलब πR², तो यहाँ पे πR को कॉमन ले लीजिए, यहाँ R प्लस में L हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया,
वही जब कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो केवल पाई आर एल हो जाएगा, और वही पे जब हम एल स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे हिंदी में बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोला जाता है स्लैंट हाइट। ठीक है, आगे देखिएगा वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू में क्या होता है, 1/3 लिखा हुआ है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। कोन के मतलब जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, उसका एक तिहाई इसका वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन होता है। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखिएगा बकेट, बाल्टी के लिए देखिएगा तो बाल्टी का याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर गलती से पूछा गया, रेलवे में पूछा जाएगा और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग तभी क्वेश्चन बना पाएंगे जब इनके फॉर्मूला जानते होंगे। तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर दिख रहा है कि बाल्टी का एक मुंह क्या होता है, चौड़ा होता है, एक मुंह क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, तो कैपिटल आर ऊपर वाले मुंह को दिखा रहा है, स्मॉल आर नीचे वाले मुंह को दिखा रहा है, तो पाई ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में आर स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर इंटू एल, ठीक है ना, माइनस में पाई आर स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक जगह से बाल्टी क्या होता है खुला होता है, इसलिए सरफेस एरिया हमें नीचे वाले सर्कल को घटाना होगा। उसके बाद बाल्टी का आयतन क्या होता है, तो 1/3 तो होगा, पाई क्या होता है मतलब कोन का क्या होता है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बाल्टी का भी आपको याद हो गया 1/3 लिख लीजिए, पाई एच लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए रेडियस दो दो है, तो हम लोग को क्या करना होगा, कैपिटल आर स्क्वायर एक बार होगा, एक बार स्मॉल आर स्क्वायर होगा, उसके बाद दोनों को एच आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर को गुणा करके लिख देंगे, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल आर इनटू में कैपिटल आर हम लोग करके यहाँ लिख देंगे, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा है, ठोस बाल्टी जैसे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस बाल्टी होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर प्लस में आर इंटू में एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस पाई आर स्क्वायर नहीं घटेगा। ठीक है, ठोस बाल्टी होगा मतलब ऊपर से भी ये बंद होगा तब, तो उस सर्कल को नहीं घटाएंगे। अब यहाँ एल कैसे निकालेंगे, तो एल का देख लीजिए फॉर्मूला, आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर द होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दो दो आर है, तो बाल्टी का आप लोग देख लीजिएगा, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिएगा गोला का, गोला का क्या होता है, गोला मतलब स्फीयर होता है फुटबॉल की आकृति का, तो गोला का होता है पाई 4πr², गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है, गोले का त्रिज्या क्या होता है वो इसके लिए याद नहीं करना है, व्यास भी आपको याद नहीं करना है, गोले का त्रिज्या आपको अलग से याद नहीं करना है। ठीक है, गोले का व्यास से कुछ भी याद नहीं करना है। अब गोलेकार छल्ले का आयतन अगर पूछा जाएगा तो गोलेकार छल्ले का आयतन 4/3πR - r³। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन में यूज होगा हम देखेंगे। आगे लिखिएगा, आगे लिखा है अर्धगोला, अर्धगोला सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर का क्या होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr³ होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब टोटल सरफेस एरिया 3πr² कैसे हुआ, वहां तो क्या होना चाहिए था, वहां तो होना चाहिए था 2πr² होना चाहिए था, गोले का आधा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा जी, ये जब गोला बना ना, ये जब गोला बना ये तो आधा गोला हो गया, आधा गोले का हो जाएगा 2πr², ऊपर में एक सर्कल है उसको भी बंद कीजिएगा तो πr² को ऐड कीजिएगा, मतलब 3πr² हो जाएगा अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया अर्ध गोले का। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखिएगा, अर्ध गोले का हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं पिरामिड का। तो पिरामिड में जो भी बेस होगा, बेस का क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस में त्रिभुज के पृष्ठों का क्षेत्रफल कर देंगे, मतलब जो भी त्रिभुज का पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आयतन पूछा जाएगा तो आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई हो जाएगा गुना में 1/3, जो भी हाइट होगा पिरामिड का और बेस का जो क्षेत्रफल होगा उसको गुना करेंगे, उसको 1/3 से गुना करेंगे तो पिरामिड का क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है, प्रिज्म का देखिएगा। तो लंबे ये जो प्रिज्म है ना, फिगर बनाया हुआ है, ये कैसा प्रिज्म है, लंब प्रिज्म है, मतलब परपेंडिकुलर आकार में ये प्रिज्म है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप पे गुना में ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आधार का परिमाप गुना में ऊंचाई हो जाएगा, तो आधार का परिमाप निकालेंगे और गुना में ऊंचाई कर देंगे। लंबे प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1 सिरा का क्षेत्रफल प्लस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगा किसी भी प्रिज्म का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्रिज्म बना हुआ था तो ट्रायंगल बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और जितने भी फेस होंगे प्रिज्म में उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी घन टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन, किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दी जाए, मतलब ज्यादा कर दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है ये थ्री डायमेंशन फिगर होता है, तो 10% पहले लिख दीजिएगा, 110 से 100 में ऐड किया जाता है, इंक्रीज होगा तो 100 में ऐड किया जाएगा, डिक्रीज होगा तो 100 में से माइनस करेंगे। परसेंटेज मैंने बताया आप लोग को, तो उस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये घन है ना, तो क्यूब कर दीजिए, बस थ्री डायमेंशन फिगर है, एक डायमेंशन मिला, बस उसी को 3 बार गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1331 आ जाएगा। 1331 बाई कितना आ जाएगा, 1331 बाई 1000 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, जो इसको 10 से भागा दीजिएगा तो 133.1 आ जाएगा, 133.1/100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 100 परसेंटेज का है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 133.1% लिख सकते हैं। अब इसको 100 में से घटाएंगे तो 33.1% आपका सही आंसर होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 33.1, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है थ्री डायमेंशन होता है, इसलिए हमने क्या किया उसके डायमेंशन को क्यूब कर दिया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर टू। पूछा गया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम यही सॉल्यूशन बनेगा, कुछ अलग आपको नहीं करना है, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आपको गोला और कुछ भी देखना अलग नहीं है, एक ही चीज पूछा गया है, देखना है कि यहाँ पे थ्री डायमेंशन है, आयतन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर सरफेस एरिया होता तो टू डायमेंशन के बारे में पूछा जाता तो वहां स्क्वायर करते, बट यहाँ वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ क्यूब करेंगे। और क्वेश्चन में 10% ही बोला है तो कुछ चेंज नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर टू को नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर वन ही क्वेश्चन नंबर टू का भी सॉल्यूशन है। अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहेंगे तो बहुत लंबा बनेगा और आपको टाइम लग जाएगा, ऐसे तुरंत बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिएगा, टाइप टू। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, मतलब दोनों में क्या किया जाता है 10% बढ़ाया जाता है, दोनों में क्या किया जाता है 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री भी वही क्वेश्चन है, मतलब एक ही जगह एक ही परसेंटेज दोनों में इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, +10%। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग के पास ज्यादा डेटा दिया नहीं है और हम लोग फॉर्मूला से बनाने वाले हैं नहीं, तो इसको 110% लिख लीजिए ऐसे करके, ये कट गया। और इसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए, तो फिर वही आ जाएगा 1331 से बाई 1000 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 133.1% है, क्वेश्चन नंबर वन में बताया था, 100 में से घटा दीजिएगा तो 33.1% इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए देखेंगे अगला टाइप, टाइप थ्री देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर को देखिएगा, अगला टाइप देखिएगा, टाइप थ्री देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चार में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार। पूछा हुआ है कि यदि एक घनाभ की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब घनाभ की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% और यहाँ बाकी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 110 लिखेंगे पहले तो, और यहाँ पे 120 लिखेंगे, उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बटे में 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में 100, मान लीजिए 100 था तो ये कट गया, अब 10 से 10 कटेगा और बाकी कुछ तो दिया नहीं है, तो पूछा गया आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 132 आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 132, मतलब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 32%। अब यहाँ पूछिएगा कि ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई लिखा हमने, ऊंचाई हमने लिखा है 100/100, ठीक है, और गुना में 100, क्योंकि ऊंचाई जितना था उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने नहीं लिखना चाहा। यहाँ तीन डायमेंशन आपको चाहिए, लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, आयतन में चेंज निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों कभी फॉर्मूला से नहीं बनाइएगा, चलिए टाइप। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 4, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% कम कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन का जो त्रिज्या में 10% का कम किया गया, ठीक है, 10% का कम किया गया। अब आगे देखना है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, मतलब आयतन में कितने परसेंट का चेंज होगा ये निकालना है। तो केवल रेडियस में चेंज किया गया है, ऊंचाई में चेंज नहीं किया गया। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब आर को स्क्वायर करेंगे एच को वैसे ही गुना करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेडियस जो है वो 90% हो चुका है। तो 90/100 कीजिए, ये काटिए, 9/100 हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा, नहीं 9/10 हो जाएगा, सॉरी 9/10 है, द होल स्क्वायर गुना में 100/100 हो जाएगा ऊंचाई के लिए, ये लिखेंगे नहीं भी तो काम चल जाएगा, और गुना में 100, पहले कितना था आयतन 100 था, अब ये काटिए ये काटिए और इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 81/100 कितना आ जाएगा 100%। अब चाहे तो इसको देख के बना सकते हैं, बट मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे केवल देख के हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। आप केवल यहाँ पे 9 का ही स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा, जो आएगा उसको 100 में से घटा दीजिएगा। अब यहाँ पे 100 से पहले से गुना है, ये कट जाएगा, मतलब 81% हो गया, ये कितना परसेंट हो गया 81%। अब 81 को 100 में से घटाइएगा तो 19% आपका सही आंसर आ जाएगा, मतलब 19% क्या हो जाएगा, घट जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, आगे से हम लोग क्या करेंगे बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। पूछा गया है कि यहाँ पे कि दो घनों का आयतन 8:27 है के अनुपात में है, ठीक है। आयतन मतलब बोला गया है कि वॉल्यूम 1/ वॉल्यूम 2 इक्वल टू में कितना दिया गया, 8/27 दिया गया, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं डेटा लिख रहा हूँ, इसका आंसर एक सेकंड में बनता है। बतलाई कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब भुजा का अनुपात ये होता है थ्री डायमेंशन, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है 3D होता है, वॉल्यूम क्या होता है 3D होता है, एरिया क्या होता है 2D होता है, एरिया क्या होता है 2D होता है, और यहाँ पे भुजा पूछा है, साइड क्या होता है 1D होता है, ठीक है 1D होता है। तो ये क्या कीजिएगा, क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, इस चीज का क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, 8/27 का क्यूब रूट निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1D में हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा साइड का, ठीक है। तो यही हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, शायद साइड का भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। अब आगे देखिएगा, आगे पूछा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, बस इसका स्क्वायर करना है। तो 2/3 द होल स्क्वायर, उनके भुजा का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि भुजा मतलब बेस, अगर भुजा होगा तभी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तभी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। तो इनके इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया का जो अनुपात हो जाएगा 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से केवल देख के बनाया जा सकता है इन सब क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के। आगे देखिएगा टाइप कौन सा है, 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइप 6 है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि दो बेलन का आयतन 3:4 में है, दो बेलन का आयतन 3:4 में है। तो वॉल्यूम 1/ में वॉल्यूम 2 कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3/4। यदि उनकी ऊंचाई 1/3 है, यदि उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 1/3 है, 1:3 है, तो उनके आधार की त्रिज्या का क्या होगा, उनकी आधार की त्रिज्या का मतलब क्या होगा, ये आपको निकालना है आधार की त्रिज्या। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो 3/4 है ना, उसको क्या कर दीजिएगा, 3/1 से गुना कर दीजिएगा। ऐसा क्यों किया वो हम बताएंगे आपको, बट यहाँ पे 9/ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3/2, मतलब 3:2 आ जाएगा, किसका, रेडियस का, मतलब R1:R2 का आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप पूछेंगे कि ये चीज़ हुआ कैसे, तो देखिएगा वॉल्यूम अगर हम लोग फार्मूला पे जाए V1/V2 और दोनों का फार्मूला लिखे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये और ये कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें
तो वॉल्यूम वन अपॉन में वॉल्यूम टू इनटू में क्या हो जाएगा, एच टू हो जाएगा अपॉन में एच वन हो जाएगा। तो हाइट का जो रेशियो था उसको रेसिप्रोकल किया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन बाई आर टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमने इस फॉर्मूले को बना लिया। तो देख सकते हैं कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करता हूँ। तो यहाँ ऐसे आप फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ है चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिएगा टाइप सेवन क्वेश्चन नंबर, टाइप सेवन ठीक है ना, टाइप सेवन क्वेश्चन नंबर एट को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टाइप सेवन क्वेश्चन नंबर एट को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर एट है, पूछा गया है कि दो बेलन के आयतन बराबर है, दो बोल बेलन के आयतन बराबर है, मतलब वॉल्यूम वन इक्वल टू में वॉल्यूम टू हो गया, एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात, हाइट का अनुपात कितना दिया है, एच वन बाई एच टू दिया हुआ है, हाइट का अनुपात 9/16 दिया हुआ है। ठीक है, 9/16 दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछता है कि इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगा, पहले के जैसा नहीं बने बनेगा। ठीक है, अब मैं ट्रिक आपको बताऊं, तो एच टू अपॉन में एच वन कर लीजिए, जो भी हाइट का अनुपात दिया है उसको उल्टा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा त्रिज्या, मतलब ये जो हो जाएगा आर वन बटे में आर टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, आर वन बटे में आर टू के इक्वल हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 9/16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9/16 का स्क्वायर, नहीं 16/9, सॉरी 16/9 हो जाएगा ना, एच टू मतलब 16 है और एच वन मतलब 9 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से एक लाइन में इसको बनाया जा सकता है केवल देख के। अब ये चीज बनाया कैसे, देखिए पाई आर वन स्क्वायर एच वन इक्वल टू में पाई आर टू स्क्वायर एच टू, अब यहाँ पाई से पाई कट गया, अब यहाँ पे आर वन बाई आर टू द होल स्क्वायर इक्वल टू में एच टू बाई एच वन। ठीक है, अब यहाँ से ये इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एच टू बाई एच वन का। तो देख सकते हैं कि फॉर्मूला बनाया, बट अगर आपने इस क्वेश्चन का अच्छे से रिविजन किया है तो आप देख कर इन सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं, टाइप एट क्वेश्चन नंबर नाइन। दो बेलन के आधार की त्रिज्या 1:3 के अनुपात में है, ऊंचाई 2:1 के अनुपात में है, उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, दो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 1:3 के अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन। ठीक है, देखिएगा बोला गया है कि दो बेलन के आधार की त्रिज्या 1:3 है, मतलब यहां त्रिज्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, आर वन रेशियो आर टू इक्वल टू में 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक तो हो गया, तथा ऊंचाई का अनुपात यहाँ एच वन रेशियो एच टू इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, कैसे आसान है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम वन अपॉन में वॉल्यूम टू, यहाँ कुछ चेंज नहीं करता, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिएगा, 1/3 द होल स्क्वायर लिखेगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2/1 दिया हुआ ना, 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, 2/1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। ठीक है, 2/9 आ जाएगा, तो ये रेशियो निकल जाएगा 2:9। तो देख सकते हैं कितना आसान है, फॉर्मूला भी पुट करके बनाइएगा तो ऐसे ही बन जाएगा, हमने कुछ नहीं किया, आर वन बाई आर टू द होल स्क्वायर गुना में एच वन बाई एच टू कर दिया, बस जो आया सो आंसर लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर नाइन भी दोस्तों हमने काफी आसानी से बनाया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन टाइप नाइन। देखिएगा यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या 1:2 है, आयतन का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख के आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसको बनाऊंगा। आर वन आर टू का जो अनुपात दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, और वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू का अनुपात कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे 3/2 लिख लिया आपने। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, 3/2 लिखा, और गुना में क्या करेंगे, आर टू बाई आर वन द होल स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे तो 3/2, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम वन बाई वॉल्यूम टू लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, एच वन बाई एच टू के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इक्वल टू दे के लिखेगा, इक्वल टू देखिए वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दिया 3/2, और आर टू बाई आर वन कितना हो जाएगा, 2/1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 12/2 हो जाएगा, काट के लिखिएगा 6:1 हो जाएगा, मतलब एच वन और एच टू
दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा, ठीक है। हाइट का रेशियो 6:1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, बेलन हो, कोन हो, कुछ भी हो, आपको बनाना ऐसे ही है बिना फॉर्मूले के। आगे देखिएगा टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या 1:3 है तथा उनकी आयतन 2:9 है तो उनकी ऊंचाई कितनी होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने बनाया ना, वैसे ही बना लेंगे। तो इस बार मैं कुछ नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, केवल यहाँ डेटा चेंज हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे डेटा क्या लिखा हुआ है, R1 और R2 का जो अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात 1:3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:3, और जो आयतन का अनुपात दिया हुआ है 2:9 दिया हुआ है, ठीक है। हमें कुछ मतलब नहीं है कि कोण दिया हुआ है या सिलेंडर दिया हुआ है, बेलन दिया है या शंकु दिया हुआ है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2:9, और जो रेडियस हो जाएगा ना उसको उल्टा करेंगे, 3/1 कर देंगे और द होल स्क्वायर करेंगे, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 11 बनाया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बनाया। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या पूछा गया है, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों अलग नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। देखिएगा, दो बेलन के आयतन बराबर है, दो बेलन के आयतन बराबर है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो उनकी ऊंचाई, उनके बताए कि उनके ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो आयतन यहाँ पे क्या है बराबर है, आयतन यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है ना, आयतन यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H1, ऊंचाई का ही तो बताना है, अभी ऐसा मैंने बताया था कुछ देर पहले ना, पाई R2 द होल स्क्वायर H2, पाई से पाई कट गया, अब R1 बाई R2 दिया हुआ है तो H1 बाई H2 हम लोग को शायद निकालना है, क्या निकालना है H1 बाई H2, तो यहाँ पे R2 बाई R1 हो जाएगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ 3:1 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3:2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, द होल स्क्वायर मतलब 9:4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो शंकु, क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइप 12 है, दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2 तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालिए। अब कुछ नहीं करना है, जैसा अभी तक हमने बनाया वैसे ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, देखिएगा इसमें कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा अभी तक हमने बनाया था वैसे ही हमने बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, R1 लिखना है, R1 बाई R2 द होल स्क्वायर इंटू में H1 बाई H2 हो जाएगा, ठीक है, यही चीज हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे त्रिज्या कितना है 1/2, 1/2 द होल स्क्वायर लिखेंगे, और हाइट कितना है, हाइट कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, अब इसके बाद 1/4 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, मतलब 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, मतलब 3 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के बीच में अनुपात V1:V2 का अनुपात 3:8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने बना लिया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 13 को देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं। देखिएगा, दो शंकु के आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाई 9:1 में है, तो उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात कुछ क्या होगा, सीधा 9/1 का क्या कीजिए ना, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, मतलब 3:1 हो जाएगा। तो उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 R1:R2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कितने आसानी से हमने बनाया, क्योंकि हम लोग को अब आइडिया मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने काफी ज्यादा आसानी से बना लिया, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, दो शंकु के आयतन बराबर है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो बस इसका रिसिप्रोकल कर दीजिए, 1:3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये मैंने पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है कि रिसिप्रोकल कर देंगे अगर ऊंचाई से रेशियो निकालते हैं, तब 1:3 आप लोगों का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, 3:1 भी दिया होगा बट 1:3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है,
ये मैंने पहले के क्वेश्चन में बताया हुआ है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, केवल इसी तरह बनाना आपको। टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, यदि एक बेलन और शंकु के आयतन बराबर है, तो बेलन और शंकु दो चीज आ गया, तो आधार की त्रिज्या 2:1 में है, तो बताए कि उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है तो उनका ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो भाई फॉर्मूला भी बना सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता हूँ, H1/S2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, R2 को ऊपर रखिएगा अभी जैसा किया था, R1 को नीचे रखिएगा, होल स्क्वायर लिखिएगा, बट इसको 1/3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि शंकु में क्या होता है 1/3 एक्स्ट्रा होता है ना, क्या होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए हमने क्या किया 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, गुना में 1/3 होगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 2/1, तो R2 ये अगर लिखे हम लोग R1:R2, तो ये 2:1 हो गया, तो R2 का वैल्यू हो गया 1 और R1 का वैल्यू हो गया 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:12। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आसानी से हमने सभी क्वेश्चन को बना लिया, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने बना लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 16, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:9 है। तो यहाँ देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया 1 और एरिया 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1:9। अब गोला आ गया, इससे पहले शंकु था बेलन था, और उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, अब उनके आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो ये देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले क्या कीजिए, उनके साइड का अनुपात नहीं, मतलब जो उनका उनका यहाँ क्या है, गोला है ना, तो उनका जो रेडियस का अनुपात होता है ना, रेडियस मतलब गोले का साइड बोल सकते हैं, तो रेडियस का जो अनुपात होता है उसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो 1/3 निकल जाएगा। अब हम लोग को आयतन का निकालना है, मतलब वॉल्यूम 1/ वॉल्यूम 2 निकालना है, तो बस जो आया उसका क्यूब कर दीजिए, मतलब यहाँ पे क्यूब कर दीजिएगा, तो यहाँ 1/27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1:27 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है, तो ये बन गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने दोस्तों काफी आसानी से बनाया। अगले अब दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार चादर की भुजा कितना दिया हुआ है, आयताकार चादर है मतलब एल 22 हो गया और बी कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है, आयताकार चादर हो गया, इसे मोर कर एक बेलन बनाया जाता है जिसका जिस इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई है, मतलब छोटी भुजा ये हो गया, तो यही क्या हो गया, बेलन का ऊंचाई हो गया, ठीक है, बेलन का ऊंचाई हम लोग को मिल गया, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरकमफेरेंस हो जाएगा। अब पूछेगा सरकमफेरेंस कैसे होगा, तो एक चादर हमने ऐसे बनाया और इसको फोल्ड किया, ऐसे ऐसे करके फोल्ड किया, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बेलन ऐसे ही बनेगा चादर को फोल्ड करके बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक एक गोला बना रहा है ये जो लंबाई है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को निकालेंगे, तो सी इक्वल टू में सर्कमफेरेंस मतलब बेलन वृत्त का परिधि कितने के बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। परिधि कितना दिया है, 22 दिया है, 2 × 22/7 हो जाएगा, इनटू में रेडियस हम लोग को पता नहीं है। अब यहाँ पे 22 से 22 कटेगा, मतलब रेडियस इज इक्वल टू में 7/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमने रेडियस निकाल लिया, हाइट दिया हुआ है हम लोग के पास है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, 22/7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, गुना में 7/2 हो जाएगा, गुना में एच हो जाएगा, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 से 11 बार में कटेगा, 7 × 7 कटेगा, और गुना कीजिएगा तो 77 × 15 कितना होता है, 77 × 15 कितना होता है, 1155 होता है, कितना होता है, 1155/2 है। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, 1155 तक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास स्पेस कहाँ पे है, हमारे पास स्पेस अबे इस फिगर को हम हटा दिए, ठीक है, इस फिगर को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे स्पेस हमारे पास है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1155/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिवाइड करके निकालिएगा तो 577.5 आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 बन गया, टाइप 16 बन गया।
अभी दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 18 देखा था, अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 टाइप 17। ठीक है, मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा दे दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा गलत किया हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 150 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोली बनाया गया, तो मतलब है V1 इक्वल टू में V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू में V2 हो जाएगा। तो पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इस गोले का जो गोला बाद में बनाया गया उसका त्रिज्या निकालना है। तो गोले का त्रिज्या, गोले का वॉल्यूम है ना पिघला के, मतलब एक छोटा छोटा गोली था उसको क्या किया गया, मिला दिया गया, एक नया गोला बनाया गया। तो क्या होता है, 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 150 गोली, मतलब ये अभी इक्वल नहीं है, अभी 150 से गुना करेंगे तब जाके ये दोनों इक्वल होगा, मतलब इस वॉल्यूम को 150 V1 इक्वल टू में V2 हो जाएगा। ठीक है, 150, अब यहाँ देखिएगा 150 हो गया, अब यहाँ लिख सकते हैं 150 गुना में क्या लिख सकते हैं, 150 गुना में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 9 का क्यूब लिख सकते हैं, 9 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 9 सेंटीमीटर वाला, और यहाँ पे आर क्यूब हमने लिख दिया। अब दोस्तों ये तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू में क्या निकलेगा, 9 तो क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा, बट ये जो 150 है ना ये क्यूब रूट में चल जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, R इक्वल टू में 9 क्यूब रूट 150 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्यूब रूट 150 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, R इक्वल टू में 9 क्यूब रूट ऑफ 150 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने सभी क्वेश्चन को बना लिया। तो दोस्तों हमने मेंसुरेशन में एरिया भी देख लिया, वॉल्यूम भी देख लिया और सर्कल भी देख लिया। ठीक है, ये तीनों मेंसुरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इन तीनों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देख लिया अच्छे तरीके से। तो मेंसुरेशन को हमने 3 पार्ट में खत्म किया, ठीक है ना, मेंसुरेशन मतलब एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, तो इन सबको मेंसुरेशन कहते हैं। तो चलिए, तो आपका अगर किसी का कोई डाउट होगा किसी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये सभी रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन सभी को ध्यान से देखिएगा। इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे जाके आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, जैसे एक प्रॉपर क्लास होता है वैसे ही आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। मैंने इसमें कोई भी कंजूसी नहीं किया है, पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगर इन सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका बेसिक तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।